नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर वन डिजिटल चैनल न्यूज बिहार में। न्यूज बिहार ने आपको बिहार की सियासत से जोड़ रखा है। ऐसे में इस बिहार की सियासत में एक बड़ा भूचाल आ गया। ये भूचाल बिहार की सियासत में तो आया है, लेकिन ये भूचाल सबसे बड़ा राजद परिवार के लिए। न्यूज बिहार ने जिस तरीके से आपको बताया था कि राजद परिवार में बड़ा कलेश है, आपसी कलेश है, दोनों भाई में पट नहीं रहा, दोनों भाई का कहने का मतलब है कि तेजस्वी और तेज प्रताप में, अब एक बड़ी खबर आ रही है कि इस चुनाव में तेज प्रताप अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। उन्होंने कहा है कि शिवहर और जहानाबाद में उनके प्रत्याशी उनके सिंबल पर उतरेंगे। उनके सिंबल का मतलब है कि आरजेडी से हटकर उन्होंने एक जो संगठन बनाया था डीएसएस, शायद उसे अब राजनीतिक दिशा देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अंगेश सिंह शिवहर के उम्मीदवार होंगे, वहीं जहानाबाद से चंद्र प्रकाश उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर मैदान में उतरेंगे। न्यूज बिहार ने जिस तरीके से आपको बताया था कि तेज प्रताप एक पावर पॉलिटिशियन बनना चाहते थे और राजद की कमान अपने हाथों में रखना चाहते थे, वहीं तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की अभी भूमिका निभा रहे हैं। बहुत सारे बयानबाजी हुए, उसका खंडन किया था। ऐसे में अब जब ऐलान हो गया कि शिवहर और जहानाबाद से तेज प्रताप अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो इस बात का भी खंडन उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए किया। खैर, आज 2:30 बजे तेज प्रताप यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि उनका जो रणनीति है वो क्या है आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में। इस तरीके के बेबाक चीजें तेज प्रताप आए दिन करते आते हैं और उसके बाद उस पर खंडन करते हैं। खैर, उन्होंने पहले भी इच्छा जाहिर की थी और कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो वो 2019 के लोकसभा चुनाव में सक्रिय होंगे, और कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो अपना नया पार्टी बनाकर चुनाव में उतरेंगे। खैर, एक विवाद और चल रहा था ट्विटर को लेकर, जिस पर पोस्ट था कि तेज प्रताप द्वारा पोस्ट किया गया है कि उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय और भाई तेजस्वी यादव उन्हें परेशान कर रहे हैं। साथ ही साथ उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि उन्होंने अनुरोध किया था कि जनता कृपया करके मेरे ससुर चंद्रिका राय को वोट न दे। इस पोस्ट को प्रिया राज ने डाला था, जो कि जाप की कार्यकर्ता है। इसके बाद बड़ा भूचाल आया, ट्विटर वार हो गया, फेसबुक वार हो गया। इस पर भी तेज प्रताप ने खंडन किया और कहा कि ऐसा कोई भी पोस्ट उन्होंने नहीं डाला है, जो भी पोस्ट वायरल हो रहा है वो एक फोटोशॉप है। खैर, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है बिहार की राजनीति में, ऐसे में अगर तेज प्रताप बागी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं राजद के लिए एक बड़ा समस्या है। वहीं आप जब 2:30 बजे आज तेज प्रताप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो बातें उन्होंने और जो बातें चल रही है मीडिया में तेज प्रताप अपने उम्मीदवारों को उतारने की बात कर रहे हैं वो कितना सत्य है। खैर, तेज प्रताप नाराज इस कारण भी हो सकते हैं क्योंकि चंद्रिका राय को आरजेडी टिकट देना चाह रही है, और पहले भी तेज प्रताप ने कह दिया है कि चंद्रिका राय से उनका कोई रिश्ता नहीं है। बता दें आपको कि चंद्रिका राय तेज प्रताप यादव के ससुर हैं, वहीं चंद्रिका राय बेटे हैं दरोगा प्रसाद राय का। दरोगा प्रसाद राय पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐश्वर्या राय से जब शादी हुई थी उसके 6 महीने बाद तेज प्रताप ने तलाक की अर्जी डाली थी और कहा था कि अब मेरा इस परिवार से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे में इस परिवार में जो कलह चल रही थी उसे समझौता में बदलने के लिए आरजेडी चाह रही थी कि एमपी के चुनाव में चंद्रिका राय को टिकट दिया जाए लालू प्रसाद के जीती हुई सीट सारण से। खैर, अब इस पर खंडन कर दिया है तेज प्रताप ने कि वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, अपनी उम्मीदवारी नहीं पेश कराना चाह रहे हैं जहानाबाद और शिवहर से। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा 2:30 बजे वो देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में तेज प्रताप यादव इस चुनाव में अपनी चुनाव चिन्ह लेकर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। आप जुड़े रहें भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से, हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जुड़े रखेंगे भारत के साथ बिहार की राजनीति से। धन्यवाद।